धौलपुर के सरमथुरा से बड़ी खबर, अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दो आरोपियों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। एक टोपीदार बंदूक, एक 315 बोर सिंगल शॉट बंदूक, एक पोना और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर डोमई गांव में मंदिर के पास की ये कार्रवाई है। आपको बता दें, डीएसपी रविराज सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। तो सरमथुरा धौलपुर से समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। डीएसपी रविराज सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। सरमथुरा धौलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अवैध हथियारों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक, एक 315 बोर सिंगल बंदूक और एक पोना और एक दो कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों की तस्वीर इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अवैध हथियारों के साथ इन दोनों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरमथुरा धौलपुर से समय की बड़ी खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मोहित गर्ग। मोहित, अवैध हथियारों के साथ दो को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? मैं आपको बता दूं कि इस मामले में सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया है कि इस समय एसपी मनोज कुमार अभियान चला रखा है, जिसके तहत कांस्टेबल चेतन को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि डोमई मंदिर के पास दो लोग अवैध हथियार से घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम का घटनास्थल के मौके पर छापामार कार्रवाई की और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध हथियार और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सर जी, तो ये हथियार कहाँ से लेकर आते थे, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? सर ये लोग हैं, ये जो सरमथुरा उपखंड का एक मतलब सरमथुरा उपखंड के रहने वाले हैं और सर ये किसी अवैध हथियार लेकर सर ये किसी वारदात के भाग में घूम रहे थे सर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस तमाम जानकारी के लिए।